कि रेनॉल्ट काइगर बस 6000 किलोमीटर चली हुई है, 5 इयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी है, आपकी पेट्रोल टर्बो एडिशन 2022 की गाड़ी, बस 10 महीने पुरानी गाड़ी सेरेमिक कोटिंग के साथ, लाइफ टाइम टैक्स पेड, मारुति सियस डीजल ZDI टॉप मॉडल, रेनॉल्ट डस्टर डीजल RXZ टॉप मॉडल 110 PS, स्विफ्ट डिजायर VXI 2016 की गाड़ी 2026 तक टैक्स पेड किया हुआ, न्यू शेप, ओनली 35,000 किलोमीटर रन किया हुआ है। दोस्तों, पूरे वेस्ट बंगाल में मैं ये चैलेंज करके बोल सकती हूँ कि ये टाटा इंडिको ELX इस कंडीशन में फुल ओरिजिनल पेंट टॉप मॉडल डीजल है, बस 36,000 चली हुई है, 36,000 ओनली किलोमीटर्स रन है। ओहो, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, स्टेफनी अभी तक निकला भी नहीं है, पूरा मैंने यूज भी नहीं हुआ, एक बार भी निकला भी नहीं है, बोले ना माटी तो पड़ी नहीं, एकोनो स्टेफनी वही अवस्था एकोनो गाड़ी। सो 2018 की ओनली 28,000 किलोमीटर रन की हुई होंडा WRV टॉप मॉडल विद सनरूफ, फर्स्ट ओनर की गाड़ी, ओनली 30,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है, ये भी लाइफ टाइम टैक्स पेड गाड़ी है, 2026 तक इसका टैक्स पेड है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, फुल्ली ओरिजिनल पेंट है ये गाड़ी। Hey friends, welcome to one more exciting vlog of Calcutta Tube. मैं हूँ शोभुज, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। So दोस्तों, every month I intend to introduce new dealership. आज भी मैं आ चुका हूँ एक नया dealership के पास, South Kolkata गड़िया पाटुली पे। Dealership का नाम है Deal and Ride. So let me introduce you with the proprietor of Deal and Ride, Miss Deepika. So madam, namaste. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ और मस्त एकदम। So first time? हाँ, आपके साथ first time? Yes, मेरे साथ first time. So गाड़ी का जो collection देखा, it's a mixed blend, SUV, sedan, hatchback, all kind of range of cars, all budget range of cars. सबके लिए गाड़ी 1 लाख के नीचे भी होगा, 7-8 लाख तक भी होगा, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आपके साथ ब्लॉग है। देर आर मेनी व्यूअर्स जो आपके बारे में पता ही नहीं है, डीलरशिप के बारे में, तो व्हाट्स द USP, आपके पास क्यों आएंगे कोई? तो मैं पहले ये बता दूं कि अगर कैलकटा ट्यूब अगर डील एंड राइट पे वीडियो कर रहा है तो ये सबसे पहले सबसे बड़ा भरोसा है, माने फुल प्रूफ है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि यहाँ पे किस क्वालिटी की गाड़ी है। रीज़न यही है, जो भी व्यूअर्स है, न्यू है, जो पुराने हैं, सबको पता है कैलकटा ट्यूब ऐसे ही किसी भी डीलर के पास जाके बिल्कुल भी वीडियो नहीं करते हैं, सबको पता है। उन्होंने, मैं बताती हूँ, एक मेरी जब उनसे पहली बार बात हुई थी, इन्होंने पर्टिकुलरली बोला था गाड़ी अच्छी कंडीशन की होनी चाहिए,
पेपर उसका क्लियर होना चाहिए। गाड़ी में अगर कुछ भी फॉल्ट है, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है तो हम वीडियो नहीं कर पाएंगे आपके पास, इन्होंने बोला था। तो मतलब पहली तो पहला भरोसा यही है। दूसरी बात यह है कि हाँ, आप ट्रस्ट कर सकते हैं हम पे। हम कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं सेल करते हैं, किसी भी तरह से कस्टमर को मतलब मिसगाइड नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कोई पेपर में कोई प्रॉब्लम है वैसी गाड़ी नहीं, हम खुद भी नहीं उठाते हैं। हाँ, नहीं, कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आप हम पे आराम से आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं। फैंटास्टिक। तो लोकेशन थोड़ा सा समझ लेंगे, इट्स अ प्राइम लोकेशन, साउथ कोलकाता, गड़िया पाटुली। सो पाटुली एक थोड़ा सा समझा दीजिए, हाँ कैसे आएंगे हम? बता दे रही हूँ, पहले मैं यहाँ का एड्रेस बता देती हूँ। ये है पाटुली R48 वैष्णव घाटा, राइट। और यहाँ से काफी सारा लैंडमार्क्स है, लैंडमार्क्स है यहाँ पे। अगर मेट्रो अगर आप बोले तो दो मेट्रो नियर बाई है, एक है कवि सुभाष और एक है शहीद खुदीराम, दो मेट्रो। रेलवे स्टेशन है न्यू गड़िया, कवि सुभाष मेट्रो के पास वो न्यू गड़िया रेलवे स्टेशन और बागाजीदीन रेलवे स्टेशन। और अगर कोई बाई रोड आ रहा है या कार या बस रूट आ रहा है तो पाटुली का चार रास्ता का जो मोड़ है वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेके एकदम स्ट्रेट आना है जहाँ पे रास्ता एंड कर रहा है। आप किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी दो लैंडमार्क है, एक है आपका फायर ब्रिगेड, पाटुली फायर ब्रिगेड, और यहाँ पे एक बहुत ही पुराना एक रेस्टोरेंट था भूते राजा दिलोपोर, वो अभी चेंज होके पोस्तो हुआ है। पोस्तो, हाँ जी, किसी से भी पूछ लेंगे, बस पोस्तो के सामने आना है, लेफ्ट टर्न लेके ही हमारा। वेरी इजी, वेरी प्रोमिनेंटली लोकेटेड। और मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पूरा गूगल मैप का लोकेशन मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, काफ़ी सारा गाड़ियां है दिखाना है। आई थिंक अंडर वन रूफ, इंश्योरेंस, नेम ट्रांसफ़र, लोन फैसिलिटी, NOC, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट? सो चिंता का कुछ है नहीं। 2012-13 के ऊपर से लोन तो हो ही जाएगा हर एक गाड़ी के ऊपर, तो देर की इस बात का दोस्तों, शुरू किया जाए आज का सफर। सो डियर व्यूअर्स, ब्लॉग का शुरुआत करेंगे एकदम लाल चमचमाता हुआ लाल टोमेटो आपके सामने। 10 महीना पुराना रेनो का काइगर धूम मचा चुका है आज के डेट पे, वो भी टर्बो एडिशन माने 1 लीटर का इंजन के साथ, पावर प्लस माइलेज, डुअल टोन के साथ दोस्तों, 10 months old, बस 10 महीने की पुरानी गाड़ी है ये। सो दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन मैनुअल टर्बो RX-Z वेरिएंट, जिसका ऑन रोड अभी 10,62,000 है। यस, इट्स अ डुअल टोन टर्बो एडिशन RX-Z पेट्रोल मैनुअल गाड़ी है, प्लस वन ऑफ द मेजर USP है वारंटी। 10 months old, जनरली 3 साल का होना चाहिए, इस गाड़ी पे एक्सटेंडेड वारंटी है 5 साल के लिए, माने 4 years 2 months एक्सटेंडेड वारंटी आपको कंपनी से मिल जाएगा, वो भी एकदम 10 महीना पुराना गाड़ी, USP 4 years प्लस वारंटी फ्रॉम द कंपनी। मेरे ख्याल से पॉलिशिंग कुछ हुआ नहीं है, नहीं अभी जस्ट आया है, बोल रहे थे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कंडीशन पे, वाओ, नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैच, नो डेंट, नो स्क्रैच, टर्बो एडिशन दोस्तों, मैनुअल उसके ऊपर, ऑटोमेटिक नहीं, मजा आएगा चला के। तो डिटेल्स पे आ जाएंगे। हाँ जी, तो इस गाड़ी के पहले डिटेल्स दे देती हूँ। ये 2022 की गाड़ी है, मार्च की गाड़ी है, जैसे मैंने इसको बताया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कलर के साथ साथ बस 10 महीने पुरानी गाड़ी है, कोई स्क्रैच नहीं, डेंट नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी का कंडीशन आप खुद देख रहे हैं, आपने तो चलाया भी है, आप बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको मक्खन 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 एकदम बिल्कुल। और ये गाड़ी बस 6,000 किलोमीटर चली हुई है, ओनली 6,000 किलोमीटर, क्या बात है। और अगर इसके पेपर वर्क पे आते हैं तो इसका सारा पेपर वैलिड है, नया गाड़ी में कोई चिंता ही नहीं है, ये सब गाड़ी पे तो कोई चिंता ही नहीं है। 5 years का टैक्स है, राइट, और आपका जो भी पॉल्यूशन है, इंश्योरेंस है, ईच एंड एवरीथिंग इज वैलिड, सब वैलिड। प्राइस पे आ जाते हैं, इसका प्राइस तो जो हमने अभी रखा हुआ है वो है 8,25,000। मैडम फर्स्ट वीडियो है, धमाल चाहिए, जलवा चाहिए मुझे एकदम। तो सारे मैं व्यूअर्स को ये बता दूं, आग के नीचे
इस गाड़ी का प्राइस हमने वैसे अभी आस्किंग प्राइस रखा हुआ है 8,25,000। अगर आप कैलकटा ट्यूब के थ्रू से आते हैं, अगर आप शोभुजा के थ्रू से आते हैं, तो आपने जैसा कहा 8 लाख के नीचे ना, चलिए दिया आपको 8 लाख के नीचे। इस गाड़ी को हम लोग लास्ट छोड़ेंगे 7,99,000। लास्ट नहीं, और थोड़ा सा ऑन टेबल करना होगा मेरे लिए। डायरेक्ट 20 हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का ऑन टेबल, फोन पे नहीं। नहीं नहीं, अगर कस्टमर रेडी है, लेना है, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, सो शोभु सर ने बोला है तो चलो ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ जरूर कनेक्शन तो चाहिए ना, फर्स्ट वीडियो है, एक ट्रस्ट फैक्टर चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सो दोस्तों, अभी के लिए 799, एकदम चमचमाता हुआ लाल टोमेटो रेनो काइगर, 6,000 चला हुआ गाड़ी। सो नाउ द सेडान किंग होंडा सिटी, एकदम रेड कलर पे मैं देख पा रहा हूँ, काफी अच्छा वेल मेंटेन कंडीशन पे है। तो कब का गाड़ी है ये? 2019 की गाड़ी है। 2019 का माने 24 तक टैक्स आएगा? हाँ जी, 2024 तक टैक्स पेड है। पेट्रोल? पेट्रोल। ओके। और किलोमीटर? किलोमीटर ये 46 या 47,000 किलोमीटर, माने काफी कम चला है। हाँ जी, बहुत ही कम चली हुई है। और कौन सा वेरिएंट है ये? SV है। ये माने एलॉयस के साथ बैक कैमरा भी आ जाएगा। हाँ जी। स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी आ जाएगा, डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आ जाएगा। क्रूज कंट्रोल SV पे नहीं आता है, फिर भी क्रूज कंट्रोल आ जाएगा, बिकॉज दिस इज द एच एडिशन, SV एच एडिशन, काफी अनकॉमन होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, बैक कैमरा इंस्टॉल्ड है, फुल म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, काफी फीचर रिच गाड़ी है। 2019 का गाड़ी, 24 तक टैक्स, SV वेरिएंट, पेट्रोल गाड़ी, 46,000 रन प्राइसिंग। इसकी प्राइस हमने जो आस्किंग प्राइस रखी हुई है वो है 6,75,000। ओके, और मेरे लिए थोड़ा सा डिस्काउंट? आपके लिए जैसे कि आपने बोला ये प्राइस पहला वीडियो है, तो प्राइस भी धमाकेदार होना चाहिए। right. तो हमारे व्यूअर्स के लिए, अब तो हमारे व्यूअर्स है, right. तो हमारे व्यूअर्स के लिए अभी जो इसका प्राइस होगा, अगर आप कैलकटा ट्यूब के थ्रू से आते हैं, तो इसकी प्राइस हो जाएगी 6,60,000। That too negotiable, हल्का फुल्का on table, हल्का फुल्का। हाँ जी, जैसे कि मैंने पहले mention किया है, अगर customer genuinely interested है, आ रहे हैं, visit कर रहे हैं, आइए test drive लीजिए, अगर आप genuinely interested है, तो थोड़ा बहुत जितना हमारे हाथ में है negotiate कर देंगे। So 660 अभी के लिए 2019 का गाड़ी है। Renault Duster 110 PS diesel RXZ टॉप ऑफ द लाइन, डिटेल्स। ये 2016 की गाड़ी है। ओके। सिंस 16 की गाड़ी है, तो 2026 तक इसका टैक्स पेड है। फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। और गाड़ी के अगर अदर पेपर की बात करते हैं, जैसे इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, सब वैलिड है। सब वैलिड है। हाँ जी। कंडीशन कैसा है? कंडीशन इस गाड़ी का बहुत ही अच्छा है, आप खुद ये देख सकते हैं। मैं ये व्यूअर्स को बोल सकती हूँ, अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसको आग बंद करके ले जा सकते हैं। इसमें कोई मैकेनिकल कोई भी फॉल्ट नहीं है। okay. अगर कोई कस्टमर को है कि चलो फिर भी कैलकटा ट्यूब का भरोसा है, फिर भी अगर डीलर बोल रहा है, अगर मैकेनिक लाके देखना है, लेके आ सकता है। हाँ जी, मैं हम वेलकम कर रहे हैं, आप मैकेनिक लेके आए, गाड़ी देखे, गाड़ी ट्रस्ट में बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। तो प्राइसिंग एक धमाका हो जाए, चलिए धमाकेदारी प्राइस दे रही हूँ, अब इसकी भी एक धमाकेदारी प्राइस दूंगी। राइट, बोलिए। सिंस आप देख ही पा रहे, जैसे कि आपने मेंशन किया है, ये 110 पीएस इंजन है। आप किसी भी डीलर में या आप किसी भी साइट या वेबसाइट जहाँ पे भी गाड़ी सेल होती है, आप देख सकते हैं हर जगह इसकी आस्किंग प्राइस मिनिमम 4 लाख है या 4 लाख के ऊपर ही है मैक्सिमम जितनी है। लेकिन सिंस ये डील एंड राइड है, तो बोला है जैसे धमाकेदार प्राइस देंगे, तो इसकी हमने आस्किंग प्राइस इस कंडीशन की गाड़ी, 2016 की गाड़ी, 26 तक टैक्स पेड, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, इस कंडीशन की गाड़ी, इसकी प्राइस हमने रखी हुई है 3,85,000। 3,85,000 इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग प्राइसिंग, क्योंकि जैसे मैडम बोला, दिस इज अ 110 PS कार, 85 PS नहीं है दोस्तों। दो इंजन ऑप्शन पे आता है गाड़ियाँ, देख लेना जो आपको गाड़ी डस्टर ऑफर करेगा उसका इंजन ऑप्शन कौन सा है, 85 PS है या 110 PS है। ये एकदम टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है, वेरिएंट भी एकदम टॉप है, RXZ डीजल गाड़ी है।
आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग प्राइसिंग, प्लस ये फाइनल प्राइस नहीं है फॉर माई सब्सक्राइबर्स. सो वन मोर एक्साइटिंग कार. एक्साइटिंग क्यों? दो रीजन है. एक तो सियाज पे डीजल मिलता नहीं है, इट्स अ डीजल वेरिएंट, प्लस टॉप ऑफ द लाइन जेड डी आई. 90-95% जगह पे सेकेंड हैंड यूज कार मार्केट पे वी डी आई या एल डी आई मिलेगा. जेड डी आई इट्स वेरी वेरी रेयर. जेड डी आई इज वेरी वेरी रेयर क्योंकि इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव देन वी डी आई. पूरा फीचर रिच गाड़ी है, एलोएस से लेके म्यूजिक सिस्टम से लेके स्टीयरिंग कंट्रोल से लेके सब कुछ फीचर्स आ जाएगा. टॉप ऑफ द लाइन ZDI डीजल. डिटेल्स डिटेल्स पे आ जाते हैं. ये 2015 की गाड़ी है. ओके 2025 तक इसका टैक्स पेड है. ओके ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है. ओके और अगर इसके अदर पेपर्स की बात कर ले तो इसकी भी इंश्योरेंस पॉल्यूशन सारे Everything papers, is valid. सब वैलिड है. किलोमीटर किलोमीटर इसकी ये 47,000 किलोमीटर रन. ओके 47,000 कुछ भी नहीं होता है एज पर डीजल गाड़ी, और भी 15 का गाड़ी. बिल्कुल माने कुछ भी नहीं है, एकदम लेस रन. कंडीशन काफी चकाचक है. जैसे मैंने बोल दिया टॉप ऑफ द लाइन डीजल. प्राइसिंग प्राइस पे आ जाते हैं. इसकी भी प्राइस हमने धमाकेदार ही रखी हुई है. इसकी भी आस्किंग प्राइस है 4,49,000. That to negotiable on table. Negotiate हो जाएगा, लेकिन on the table. So 4,49,000 पे 2015 का 25 तक टैक्स देके डीजल सियाज टॉप ऑफ द लाइन ZDI दोस्तों. Yes, one more exciting गाड़ी आपके सामने. सभी का डिजायर वो भी न्यू शेप. 2016 पे जो शेप आया था लॉन्च हुआ था, देख पा रहे हैं आप न्यू शेप का डिजायर और कंडीशन. सिल्वर कलर पे काफी अच्छा वेल मेंटेन्ड है मैं जो देख पा रहा हूँ. हाँ जी मैडम डिटेल्स. इसकी डिटेल्स पे आ जाते हैं. ये 2016 की गाड़ी okay. है. 2016 की गाड़ी है तो 2026 तक इसका टैक्स पेड okay. है. ये भी फर्स्ट ओनर की गाड़ी okay. है. और इसकी अगर अदर पेपर्स की बात करें तो इसके भी सारी पेपर्स वैलिड है, लाइक इंश्योरेंस पॉल्यूशन सभी वैलिड okay. है. और कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं. और VXI है. VXI है. VXI. So, 2016 का 26 तक टैक्स देके VXI वेरिएंट पेट्रोल है. प्राइसिंग प्राइस पे आ जाते हैं. तो प्राइस आप देख, ये जैसे कि 2016 की गाड़ी मैंने मेंशन की है, पेपर्स भी सारी वैलिड है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है. इसको भी मैं बता सकती हूँ, इसको भी मैं चैलेंजिंग प्राइस में ही दे रही हूँ. आप कहीं पे भी किसी भी और डीलर पे चेक कर सकते हैं. 2016 की VXI आपकी जो भी गाड़ी है सब 4 लाख के ऊपर ही आस्किंग प्राइस है. उस हिसाब से मतलब धमाकेदार आपने तो प्राइस देने को बोला है, तो इसका प्राइस हमने रखा हुआ है 3,90,000. वो भी न्यू शेप 16 का 26 और किलोमीटर रन Only 35,000 किलोमीटर रन किया हुआ है. Only 35. So dear viewers, टाटा का इंडिको काफी फेमस है मेरा ब्लॉग पे. एकदम 2-3 घंटा के अंदर छू मंतर हो जाता है. और ये गाड़ी का काफी सारा मेरिट है, काफी सारा मेरिट है कि पूरा वेस्ट बंगाल पे नहीं मिलेगा. हाँ जी मैडम क्यों? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये गाड़ी इतने चैलेंज के साथ कि ये गाड़ी आपको पूरे वेस्ट बंगाल में नहीं मिलेगी. इसका कुछ रीजंस है. पहली रीजन है इसका कंडीशन. ओके दूसरी बात है ईएलएक्स, जैसे कि मैंने बोला है कि टॉप मॉडल डीजल है. बस 36,000 चली हुई है, 36,000 ओनली किलोमीटर्स रन है. ओहो फर्स्ट ओनर की गाड़ी है. स्टेफनी अभी तक निकला भी नहीं है, पूरा मैंने यूज भी नहीं हुआ, एक बार में निकला भी नहीं. जैसे बोले ना माटी तो पड़ी नहीं, एकोनो स्टेफनी वही अवस्था है एकोनो गाड़ी. वो भी टाटा इंडिको का. हाँ जी दोस्तों टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है टाटा इंडिको रॉयल एडिशन. एलॉयस आ जाएगा, डिफोगर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली मिरर एडजस्ट कर सकते हैं इंडिकेटर के साथ, म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, काफी अच्छा कंडीशन पे है. ओनली 36,000 रन जैसे मैडम बोला, ओरिजिनल पेंट पे और स्टेपनी माटी दे पौरे नी. सो कब का गाड़ी है?
ये 2010 की गाड़ी है, माने 25 तक टैक्स है, 25 तक टैक्स पेड है। क्या बात है, ELX वेरिएंट 36,000 रन, प्राइसिंग धमाका, धमाकेदारी तो प्राइस दे रही हो तो इसका भी धमाकेदारी प्राइस है। जैसे कि मैंने आपने जैसे कि सारे फीचर्स मेंशन किया है, मैंने जितना इसका डिटेल्स दिया है उस हिसाब में जो इसका प्राइस देने वाली हूँ वो कुछ भी नहीं है। इसका जस्ट आस्किंग प्राइस हमने रखा हुआ है 1,05,000, 1,05,000। हाँ जी, लेकिन मुझे पता है अभी आप क्या बोलेंगे। सो अगर आप कैलकाटा ट्यूब के व्यूअर्स और आप ये वीडियो देख के आ रहे हैं तो ये गाड़ी आपको बस मिल रही है 99,000 में, 1,00,000 से भी नीचे इसका प्राइस है 99,000 में। क्या बात है, एकदम धमाका 99,000 पे। काफी सारा मेरिट के साथ दोस्तों आपको समझना होगा, खटारा गाड़ी नहीं है। 99% जगह पे आपको ये इंडिगो खटारा कंडीशन पे मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है, एक्सीडेंटल, रीपेंट, बहुत कुछ इश्यूज, वाटर लॉग, मीटर टेम्पर्ड। ये गाड़ी एकदम फ्रेश ओरिजिनल पेंट के साथ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, स्टेपनी अनयूज्ड है, 36,000 रन है 99,000 पे। सो यस, अ कॉम्पैक्ट एसयूवी विथ अ सनरूफ, ओ भी होंडा, होंडा WRV VX वेरिएंट, मैनुअल, सनरूफ, एलॉयस, सब कुछ फीचर के साथ। हाँ जी मैडम, ये इसके अगर पेपर पे आ जाते हैं तो ये 2018 की गाड़ी है, नया गाड़ी है, 5 साल पुराना है। हाँ जी, बट टैक्स है अभी, कब है टैक्स? इसका टैक्स है 2023 एंड में, 23 एंड में, और ज्यादा टैक्स नहीं होता है, 40-45,000 टैक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। सो 2018 का गाड़ी है, VX वेरिएंट है, पेट्रोल गाड़ी है, किलोमीटर ये 28,000 किलोमीटर बस चली हुई है। वाओ, एकदम चला नहीं है, एकदम चला नहीं है गाड़ी। और प्राइसिंग पे आ जाए तो इसका भी प्राइस 2018 की एंड की गाड़ी है, धमाका तो होगा ही, तो इसका प्राइस हमने रखा हुआ है 6,50,000, 6,50,000 रुपए। तो थोड़ा सा डिस्काउंट मेरे लिए, आपके लिए तो ऑफ कोर्स डिस्काउंट होगा ही। तो अगर आप इस चैनल के थ्रू से आते हैं तो आपके लिए ये लास्ट प्राइस जो हो जाएगा वो होगा 6,30,000, 6,30,000 विथ अ सनरूफ गाड़ी। आई थिंक इट्स अ माइंड बॉगलिंग प्राइसिंग 2018 का, ओनली 28,000 रन है दोस्तों। सो चमचमाता हुआ ब्लू कलर पे हुंडई ग्रैंड i10, 2018 की गाड़ी, फर्स्ट ओनर की गाड़ी, ओनली 30,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है और 18 की गाड़ी है, 18 का गाड़ी है, माने ये साल टैक्स आएगा। हाँ जी, हाँ जी। और स्पोर्ट्स वेरिएंट माने काफी सारे फीचर आ जाएगा दोस्तों, और स्टीयरिंग कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ आ जाएगा। स्पोर्ट्स वेरिएंट में फीचर काफी अच्छा आ जाता है, आपको पता है। सो 2018 का 30,000 रन ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स, प्राइसिंग इसकी प्राइस पे आ जाते हैं तो इसकी प्राइस है 3,75,000 नेगोशिएबल, स्लाइटली नेगोशिएबल, ऑन टेबल, 375 2018 का, 23 तक टैक्स, स्पोर्ट्स वेरिएंट दोस्तों। हुंडई यन लाइफ टाइम टैक्स पेड, 2012 की गाड़ी, एरा प्लस, फर्स्ट ओनर की गाड़ी, सारा पेपर्स वैलिड है इस गाड़ी का। किलोमीटर, किलोमीटर जस्ट 42,000 ड्रिवन है, ओरिजिनली 42,000 ड्रिवन है। सो 2012 का गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स के साथ 42,000 रन, प्राइसिंग, प्राइस पे अगर आ जाते हैं इसकी तो इसका प्राइस हमने रखा हुआ है ओनली 1,65,000, 1,65,000 वो भी लाइफ टाइम टैक्स के साथ। रिसेंटली इसका पेड किया हुआ है, रिसेंटली दिया हुआ है, तो जो ये गाड़ी लेगा तो उसको 15 साल तक पूरा टैक्स वो यूटिलाइज कर पाएगा, टैक्स माने 1,65,000 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके सामने। फैंटास्टिक। वैगनर ये 2011 की गाड़ी है, सिर्फ 2011 की गाड़ी है तो 2026 तक इसका टैक्स पेड है,
फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, फुल्ली ओरिजिनल पेंट है ये गाड़ी, और ये 2011 की लास्ट की गाड़ी है, 2026 का एंड तक इसका टैक्स पेड किया हुआ है। ओनली 52,000 किलोमीटर चली हुई है। और ओनरशिप फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर, हाँ जी, फर्स्ट इतना ओनर पुराना गाड़ी होने के बावजूद फिर भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, क्या बात है। फुल्ली मेंटेन्ड है, कोई स्क्रैच डेंट ऐसा कुछ नहीं है, मैकेनिकली भी गाड़ी बहुत अच्छी है, क्या बात है। तो प्राइसिंग पे चलिए, प्राइस पे आ जाते हैं, इसकी आस्किंग प्राइस हमने रखी हुई है 1,70,000। 1,70,000, 1,70,000 वैगनर 2011 दिसंबर का, 26 दिसंबर तक टैक्स दे के ओनली 52,000 रन। मारुति सेलेरियो VXI, हाँ जी, 2015 की गाड़ी है ये, ओके, 2015 की गाड़ी है तो 2025 तक टैक्स पेड है। गाड़ी का अगर कंडीशंस में आए तो कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं, इसका अगर पेपर पे आए तो पेपर इसका सारा वैलिड है, इसका जैसे इंश्योरेंस जो भी पॉल्यूशन जो भी है सब वैलिड है। और आ जाते हैं इसके प्राइस पे, इसका प्राइस हमने अभी रखा हुआ है, इसका आस्किंग प्राइस है हमारा 2,65,000। 2,65,000, 2,65,000, 15 का 25 सेलेरियो VXI। शेवरोलेट स्पार्क, सबसे पहले बता दूं ये भी लाइफ टाइम टैक्स पेड गाड़ी है और फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, 2011 की गाड़ी है, जैसे कि मेंशन किया है लाइफ टाइम टैक्स पेड है। जनरली इतना पुराना गाड़ी पे फर्स्ट ओनर होता नहीं है, हाँ। तो फर्स्ट ओनर का गाड़ी है, 2011 का गाड़ी है शेवरोलेट स्पार्क। सो कंडीशन में जो देख पा रहा था, इंटीरियर का कंडीशन काफी अच्छा है, वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड, हाँ जी, वेरी वेल, कलर भी ओरिजिनल पेंट है, ओरिजिनल पेंट, बिल्कुल बिल्कुल, कलर भी ओरिजिनल पेंट है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, ओके। और आप जैसे कि आपने बोला, जो मैं मेंशन करने वाली थी कि इसका इंटीरियर बहुत ही नीट एंड क्लीन है, राइट, मतलब थोड़ा भी ऐसा नहीं है कि स्क्रैच है, डेंट है, right, ऐसा right, नहीं है, और right. गाड़ी मैकेनिकली भी बहुत अच्छी है। Fantastic. Pricing पे आ जाएंगे? इसका प्राइस जो हमने रखा हुआ है, जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो है 95,000, ओनली 95,000 इस कंडीशन की गाड़ी, ओरिजिनल पेंट के साथ, ओरिजिनल पेंट, फर्स्ट ओनर, 2011 की लाइफ टाइम टैक्स पेड गाड़ी, क्या बात है, 95,000 पे इतना सारा यूएसपी के साथ। सो प्रीमियम हैचबैक i20, हाँ जी मैडम, डिटेल्स, डिटेल्स पे आ जाते हैं, ये 2014 की गाड़ी है, ओके, 2024 तक इसका टैक्स पेड है, और ये भी फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, मैग्ना वेरिएंट है, हाँ जी, मैग्ना ऑप्शनल वेरिएंट है, माने एयर बैग आ जाएगा, ऑटोमेटिक एसी भी आ जाएगा दोस्तों, और काफी कंडीशन काफी अच्छा है, ये फ्लूइडिक शेप पे आता है, जैसा वरना आता था 2012 से 2014, इसको बोला जाता है i20। सो 2014 का गाड़ी 24 तक टैक्स दे के किलोमीटर ये जस्ट 34,000 किलोमीटर, पेट्रोल, प्राइसिंग धमाका, हाँ जी, इसकी भी प्राइस पे अगर आ जाते हैं तो इसका प्राइस हमने रखा हुआ है 2,75,000, 2,75,000, हाँ जी, काफ़ी अच्छा प्राइसिंग है 2014 का हिसाब से, क्योंकि 2013 का गाड़ी ये प्राइस पे सेल हो रहा है आज के डेट पे, 2,70,000 गाड़ी है, हाँ, 2,75,000, 14 का 24 टैक्स। i20 प्रीमियम हैचबैक मैग्ना एडिशन, कब का गाड़ी, 2010 की गाड़ी है, ओके, माने 25 तक टैक्स, हाँ जी, 25 तक टैक्स पेड की, सो 2010 का 25 तक टैक्स दे के मैग्ना वेरिएंट पेट्रोल गाड़ी है, हाँ जी, पेट्रोल गाड़ी है, किलोमीटर बस 51,000 किलोमीटर चली हुई है, ओरिजिनली 51,000 किलोमीटर ही चली हुई है, माने ईयर का, ईयर के हिसाब से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कंडीशन काफी अच्छा है, इंटीरियर का कंडीशन भी काफी अच्छा है, प्राइसिंग तो सिर्फ धमाकेदार डील है, धमाकेदार कंडीशन में गाड़ी है, तो इसका भी प्राइस धमाकेदार ही दे रही हूँ, इस गाड़ी को हमने रखा हुआ है, इसकी आस्किंग प्राइस है ओनली 1,59,000 पे 25 तक टैक्स दे के, वो भी i20, बिल्कुल, एकदम बढ़िया डील है, एकदम बढ़िया डील। सो मारुति का रेट्स अ टॉल बॉय डिजाइन कार, जो लोग वैगनर ढूंढते हैं, बट वैगनर इज काफी एक्सपेंसिव, सस्ता पे आ जाएगा हमेशा,
एक जैसा इंजन, एक जैसा फीचर, एक जैसा बॉडी, सब कुछ एक जैसा है। कब का गाड़ी है? 2010 की गाड़ी है। ओके। 2025 तक टैक्स पेड है। ओके। फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। ओके। पेपर इसका जो भी है सारा वैलिड है और VXI है। ओके। हाँ, VXI है। इसका जो भी VXI का जो भी फीचर्स होते हैं, माने पेट्रोल है, पेट्रोल है, इसमें डीजल भी आता है, ये पेट्रोल है। 2010 का 25 तक टैक्स देखे, वो भी फर्स्ट ओनर। किलोमीटर इसका अगर इसका आए तो ये जस्ट 41,000 किलोमीटर चली हुई। ओनली 41,000। फैंटास्टिक। प्राइस इसके आस्किंग प्राइस है हमारी 1,45,000 पे दोस्तों। ओनली 41,000 रन। मारुति रिट्ज़ VXI।